हेलो दोस्तों, अपना गार्डन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मोगरे के पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने का तरीका बताऊंगा। ये आज की डेट 18 अप्रैल है। ये देखिए, ये पौधा फूलों से भरा हुआ है। ये देखिए, नीचे भी बहुत ज़्यादा फूल गिरे हुए हैं। सूखने के बाद अभी भी ये फ्लावरिंग दे रहा है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। DAP एक हफ्ते सप्ताह के गैप में DAP की 4-5 चमचे डाल दें पानी में और वो दे दें। इतना ध्यान रखें, ये DAP वाला पानी इसमें तब डालें जब आपकी मिट्टी थोड़ी सूख चुकी हो और उसमें और पूरा पानी डाल दें। अगर आप DAP की ज़्यादा डोज करेंगे तो आपका पौधा भी मर सकता है। ये देखिए, फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हुई है और यहाँ पे इसके बीज भी तैयार होने वाले हैं। ये देखिए, छोटे छोटे बीज के जैसे तैयार हो रहे हैं। इसमें अगर गर्मी ज़्यादा नहीं हुई तो ये बीज तैयार हो जाएंगे। गुलदावरी की कटिंग आप जून में तो लगा सकते हैं, फिर उसमें उसके चांस कब होते हैं ग्रोथ के। इसका सबसे बेस्ट सीजन विंटर सीजन और रेनिंग सीजन है। इसमें आप कटिंग लगाते हैं तो उसकी लगभग 90% बिना रूटिंग हार्मोन के 90% उसकी सक्सेस रेट होती है और रूटिंग हार्मोन के साथ तो लगभग 99% हो जाती है। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, ताकि आपका दोस्त अन्य जानकारी के साथ वीडियो भेजता रहिए। देखिए, फूलों से भरा हुआ है मेरा पौधा।